देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शाल धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे को दो भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधवर्दकों के दल गुणों का गान करने लगे। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे।
समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौसल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुरूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मोक्ष श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंडल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों की बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं।
कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सापों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारांगण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया।